अखबार में ही मना कर दिया था कि हम विवाह नहीं करेंगे, तो फिर तुम क्यों आई रूप परिवर्तित कर? मैं समझी के साथ मैंने एक आंख में काजल कम लगाया, जा मारा फैल कर दई। अच्छा, तो इस बार ज्यादा सुंदर बन गया, ज्यादा सुंदर खूबसूरत बन गया। अच्छा, तो ऐसा करो ना, अपनी सुंदरता को देखो, तुमने जो अपना ये मुखारविंद छिपा कर रखा है, अपनी सुंदरता जिस पर तुमने पर्दा कर रखा है, इसको थोड़ा हटाओ, क्योंकि सुंदर वस्तु या सुंदर सुंदरता को कभी छिपा कर नहीं रखना चाहिए। ना, राम जी जाए तो मैं उठाऊंगी ना। क्यों? शर्म लगे मुझे। अच्छा, ये भी गलत बात है। बहुत ज्यादा। दिखाओ तो, हम भी तो देखें आपकी सुंदरता। देख कहीं शादी करोगे? और क्या? अच्छा तो ले देख लो। ओए होए, इस बार तो बहुत सुंदर बन के आई हो। अब तो कर लो शादी। देखो, सुंदरता तो ठीक है तुम्हारी, माना कि बहुत सुंदर हो, पर हमारे पास अब क्यों आई हो जब हम तुमसे एक बार मना कर चुके हैं? तुम कर लो शादी, नहीं तो मैं बैंजो भाई के संग भाग जाऊंगी। हमारा विवाह हो चुका है, एक और कर लो। हम अब नहीं कर सकते हैं। 50 ग्राम कर लो। क्यों, कुछ मात्रा भी होती है क्या? हाय जोगी, देखो ऐसा है, हम तो विवाह नहीं करेंगे, पर राम जी मेरा पहला ब्याह वैसे ही फट गया। विवाह फट गया? हाँ। हमने रिश्तों को टूटते हुए देखा, संबंधों को टूटते हुए देखा, लेकिन पहली बार सुन रहे हैं कि पहला संबंध तुम्हारा फट भी गया है, वो कैसे? रिश्ता टूटा ना फट गया, मतलब ऐसा भाव कैसा? मेरा पहले नाम बड़े प्यार से मेरी माँ ने राम कली रखा था। मेरी बारात, मेरी माँ ने मेरे काजल दूल्हा ढूंढो, मेरी बारात आई और राम जी मेरा दूल्हा गधा पे बैठ के आयो। अच्छा, हाँ गधा पे, गधा पे बैठ के आया। हाँ, अरे वो गधा नहीं होगा तो घोड़ा होगा। अरे राम जी सबरी सहेली ने घेर लो, बाकी पूछे ही पूछे दिख रही, कोई का मालूम गधाओ के घोड़ा हो। अच्छा, हाओ
अब राम जी जैसे ही दूल्हा द्वार पे आयो तो मैंने वो एक रसम होते है कहा फेंकते हैं दूल्हा पे चावल हाँ चावल अच्छा, अच्छा। सो मैंने अपनी मैयो ते कही काहे मैयो ये चामन ते का हो गए सो मैयो बोली दूल्हा ज्यादा प्यार करतो हाय मैंने समझी के नेकाद चामर फेंकेंगी तो कम प्यार करेगो मैंने एक पला भल्लो और जैसे ही दूल्हा आयो दारी के मोड़े दो दूल्हा मोड़ो फारेगो मैं जो समझ रही के दूल्हा हंस रहा है मतलब तुमने ढेर भर चावल लेकर हाँ दूल्हे के मुंह पर मारा मुंह पे मार दे अच्छा मैं जो समझी तुम्हारी भाषा समझ में कम आती है दूल्हा हंस रहा है दूल्हा को हैगो सिंगल डोन दूल्हा पहुंच गयो हिंडोन अच्छा मरेगो देखो ऐसा है कैसा पहला संबंध तुम्हारा टूट गया फट गया माना कि फट गया चलो हमें कष्ट है हाँ, पर इस बार ऐसा नहीं होने पाएगा तो तुम कर रहे हो शादी हम नहीं कर रहे पर तुम्हारा विवाह हो जाएगा हम तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे पक्की हाँ हाँ तुम्हें कर लो राम तुम पुनः लक्ष्मण के पास जाओ जिस समय तुम्हारी ये सुंदरता वो देखेगा क्योंकि मैं जानता हूँ लक्ष्मण भी ऐसी सुंदरता का पुजारी है जितने सुंदर तुम हो तो जिस समय वो तुम्हें देखेगा तो निश्चय ही विवाह कर लेगा हाँ जी तो मैं कह रही ऐसी मलूक छोरी तो पूरी रात में नहीं मिलेगी हाँ हाँ जाओ हाँ मैंने कही कर लो ब्याह तुम लक्ष्मण के पास जाओ अपना प्रस्ताव रखना वो विवाह कर लेगा राम जी क्या तुम्हें कर लो हमारा हो चुका है दूसरी कर लो दूसरा नहीं अगर विवाह करना हो तो जल्दी जाओ अन्यथा लक्ष्मण दूसरी जगह कहीं चला जाएगा जंगल में व्यवस्थाओं पर लक्ष्मण मेरे समीप आओ जिस देवी का आगमन कुछ समय पूर्व तुम्हारे पास हुआ था पुनः आ रही है वो तो मैं चाहता हूँ उनसे विवाह तो तुम्हें करना है पर कैसा विवाह है तो नाक जाए आकाश को पूरा पश्चिम कान लक्ष्मण ऐसी नारी का तुरंत करो शम जाओ आज मैंने कहा जयशंकर की सुनना रहेगा बोलो देवी हाय मेरी देवता क्या कह रही हो क्या तुम्हारे भैया ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है अच्छा किस लिए तीनों कह रहे तुम्हारे भैया हाय भैया को तो शर्म लग रही है क्यों कह रहे तुम्हारे भैया कि हमारे भैया लक्ष्मण के पास चली जाओ किस लिए यो कह रहे वो भैया के पास चली जाओ हाय भैया को तो शर्म लग रही है सुन ना रहे यो कह रही थी हाँ। कि वो लक्ष्मण के पास चली जाओ वो तुमसे शादी कर देवी हाँ देवता मैं तुम्हें नक्शे सिर तक देख रहा हूँ क्या नक्शे सिर तक नक्शे सिर तक नक्शे सिर तक देख रहा हूँ अच्छा जो तुम्हारी सुंदरता है हाय देख ही ना जा रही थी सबरे हमारे शब्द कोश में ऐसे शब्द ही नहीं है कि हम किस तरह से वर्णन करें तुम्हारी इस सुंदरता का लेकिन भैया की हमें आज्ञा हुई है कि तुमसे विवाह करना है तुम भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं छोटे अच्छा? से नन्हे से अरे? प्यारे से हाय तेरे की का देख रहा हूं क्या कहा छोटे और मोए छोटो और मिलोरी भरदार
देवी कहो देवता, विवाह तो अवश्य करेंगे। हाँ हाँ, लेकिन उससे पूर्व हम चाहते कि क्यों ना तुम्हारा श्रृंगार किया जाए। श्रृंगार? और हाँ, श्रृंगार इसलिए ताकि जो भी तुम्हें देखे तो कहे हाँ दुल्हन है। श्रृंगार तो मैं पहले ही कर आई हूँ। अच्छा हाँ, लेकिन कचना छोड़ी, देखो लैक्मे की लिपस्टिक लगाई थी। पापा कैसे मुंह फाड़ रहे हैं? सुनने आओ। हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, लैक्मे की लिपस्टिक लगाई थी और पाउडर लगाए पॉन्स को। हाँ, काजल लगाए, मेहंदी लगाई, चूड़ी पहनी, कंगना पहनी, आपका शादी कर दिया। ठीक है, चलो। देवी जो इस सिला नजर आ रही है, हाँ, इसके ऊपर बैठे और अपने दोनों नेत्र बंद कर ले। नेत्र बंद कर ले। बंद क्यों कर लो? हाँ देखो, तुम नेत्र बंद करके शादी होते भैया, बताइए को नेत्र बंद करके शादी होते? चलो ठीक है, मत करो, वो तो अपने आप हो जाएंगे। खैर, क्योंकि हम तो उस गुरु के चेले हैं, अच्छा, जिन्होंने बचपन में उत्साह बढ़ाया था, इन बाल अवस्था के हाथों तांडा का संहार कराया था। वे कहते थे जो पतिता है उसका बत कहना दोष नहीं, इस पृथ्वी से घृणित जंतुओं को पृथ्वी से हटना दोष नहीं। मोते ना कह रहे, ये तुमंते कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कौन से गुरु के चेला? एक काम करो, मैं कमना पर रही करो, चलो आराम की चेली हो, मैं चलो तुम्हारा हम सिंगार करते हैं। श्री लखन लाल ने नाक कान काट के मानो महाराजा रावण को चुनौती दे दी। नाक कान बिन भाई बिगिराला जन सतु गेर गेर हर दूषण पह गई बिलवा धिक धिक तब पौरुष बने